एवरीवन जिन्होंने यहाँ पर जेआरएफ स्कोर किया है और नेट स्कोर किया है. आई होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग वेल सभी के सभी. यस मैम. यस थैंक यू मैम. कांग्रेचुलेशंस एवरीवन. आई एम गुड. आप बताओ अपना कि आप कैसे आपने प्रिपेयर किया और क्या आपकी स्ट्रेटजी रही थी. स्पेसिफिकली कांग्रेचुलेशंस महिमा. महिमा ने जेआरएफ स्कोर किया है एंड आल्सो कांग्रेचुलेशंस देबेलिना जिन्होंने जेआरएफ अपना स्कोर किया है एंड आल्सो कारू सौरव एंड कारू बाकी दे ऑल स्कोर्ड नेट विद अ वेरी हाई परसेंटेजेस. सो कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन. सो वन बाय वन करके आप अपना शेयर कर सकते हैं अपना एक्सपीरियंस रिगार्डिंग द लर्निंग और क्या आपकी स्ट्रेटजी रही इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए. सबसे पहले वी विल गो विद महिमा. हेलो महिमा. हेलो मैम. हेलो हेलो महिमा, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ मैम, आप कैसी हैं? हाँ जी मैं बढ़िया. और कैसा रहा आपका पूरा जर्नी, आप वो शेयर कर सकते हैं जी. यस मैम, मेरा नाम है महिमा चतुर्वेदी. मैंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है. 218 नंबर है. 99.8 परसेंटाइल है मेरा. कांग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छे मार्क्स हैं जी मैम. थैंक यू मैम. मैं शहडोल एमपी से बिलोंग करती हूँ, मतलब महाकाल की नगरी से बिलोंग करती हूँ मैं. जी जी बहुत सुंदर जगह और जी. जी मैम, मैं मुझे आज भी याद है कि मैंने अपनी जर्नी आपसे ही स्टार्ट की थी. मतलब मैं किसी को नहीं जानती थी. जब मैंने मेरा एमएड हुआ था तो मैंने आपसे ही स्टार्ट किया था. जी आपसे जी मैंने बात की थी, मैम मुझे जेआरएफ कैसे करना है, तो आपने फिर बताया था. फिर मैं आपसे लगातार जुड़ी रही थी. हाँ जी हाँ जी जी मैम, बस यही था मैम कि मैं डेली पढ़ती थी. मतलब मेरा फोकस था कि मैं क्या है, मैं हाउस वाइफ थी ना, मेरी एक बेटी भी है, मेरे हस्बैंड थे, तो मैं जनरली सुबह सुबह का सारा काम करके मतलब मैं 9:30 बजे फ्री हो जाती थी. ओके और ओके बच्चे को स्कूल भेज करके मैं जी. सोचती थी कि मेरा बच्चा 1 बजे स्कूल से आएगा तो फिर मैं उस बीच में सारी स्टडी कर लूंगी. तो फिर मैं जनरली 9:30 बजे से बैठती थी, तो 9:30 से लेके मैं 1 बजे तक लगातार पढ़ाई करती थी. बीच बीच में 5-10 मिनट का ब्रेक लेती थी, बाकी मैं कंटिन्यू पढ़ाई करती थी. ओके क्योंकि हम इसी पे ही फोकस कर रहे थे ये जानने के लिए, क्योंकि एक तो वर्किंग होना, ऊपर से फैमिली का हाउस इतना वाइफ होना. हाउसवाइफ होना तो सबसे बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाकर फिर एग्ज़ाम क्रैक करना विद हाई परसेंटेज, तो वो एक एक इंस्पिरेशन है उन सभी लोगों के लिए जो ये करना चाहते हैं. इसके साथ साथ मतलब क्योंकि आपने स्ट्रेटेजी बताई कि टाइम को मैनेज करना, तो वो एक आपका एक रहा होगा कि आपने टाइम को कैसे मैनेज करा और कैसे आपका जो एग्ज़ाम क्लियर हुआ. लेकिन इसके साथ साथ पेपर वन एंड पेपर टू पे आपने इक्वली फोकस कैसे किया, क्योंकि यही एक सबसे बड़ा टारगेट रहता है कि हम दोनों में टाइम कैसे डिवाइड कर सकते हैं और दोनों एग्ज़ाम को कैसे साथ लेकर चल सकते हैं. तो उसके लिए आपने क्या स्ट्रेटजीज बनाई थी? जी मैम, मैंने पेपर वन के लिए तो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाई थी मैम, और पेपर टू में भी मैंने शॉर्ट नोट्स बनाई थी. जैसे मैंने आपको नोट्स भी दिखाती हूँ मेरे, ये मेरे शॉर्ट नोट है जो मतलब एग्जाम में बहुत 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 बेनिफिशियल थी. ये मेरे शॉर्ट नोट है जो जिनसे बार बार रिवाइज करती थी. ये मेरे शॉर्ट नोट्स है पूरे, और सारे सब मतलब एजुकेशन का भी मैंने शॉर्ट नोट बनाया था एग्जाम टाइम के लिए, और पेपर वन के लिए भी मैंने शॉर्ट नोट बनाए थे. और मैं डेली पढ़ती थी. मतलब जैसे मैं हाउस वाइफ थी ना, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता था, लेकिन मैं ये सोचती थी कि मुझे मतलब डेली पढ़ना है. चाहे मुझे थोड़ा ही पढ़ना है पर मुझे डेली पढ़ना है. और फिर क्या है, 1 बजे तक पढ़ती थी. फिर 1 बजे के बाद जैसे मैं ब्रेकफास्ट वगैरह सुबह बना लेती थी, बेटी का लंच वगैरह पैक करके उसको भेज देती थी स्कूल. फिर 1 बजे जब मेरी बेटी आती थी तो उसी के साथ खेल करके मैं खाना भी बनाती थी, घर के काम भी करती थी. और फिर मैं 5 से 6 पढ़ती थी. 5 से 6 पढ़ने के बाद फिर मैं 7 बजे से अपने बच्चे को पढ़ाती थी. 7 से मतलब 8-9 तक अपने बच्चे को पढ़ाती थी, क्योंकि छोटा है मेरा बच्चा तो वो इतना फोकस नहीं करता, तो मुझे ही पढ़ाना पड़ता था, उसका होमवर्क कराना पड़ता था. फिर उसके बाद मैं मतलब रात को सोते समय उसको सुलाती थी, और उसी के साथ जो मतलब जो भी आपके लेक्चर्स वगैरह होते थे, तो मैं क्या रिकॉर्ड मतलब लाइव नहीं देखती थी, मैं हमेशा रिकॉर्डेड ही देखती थी. मैं ये झूठ नहीं बोलूंगी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं मिलता था. क्या है कि जब आप लाइव देखते हो तो बहुत टाइम लगता है, और हाउस वाइफ के लिए मतलब 1 घंटे डेवोट करना मतलब बहुत मुश्किल टाइम होता है. तो मैं जैसे 1.5 में या 2x स्पीड में कर गई. मैं आपके क्वेश्चन देखा करती जो आप डेली कराती थी. और सिमिलरली बस ऐसे ही चारू चारू के साथ भी सीन है, क्योंकि वो भी वर्किंग है घर पे और अपना घर भी संभालना है, तो चारू का भी ऐसे ही एक्सपीरियंस रहा होगा. अगर चारू आप शेयर कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग
क्योंकि आपने भी कैसे टाइम को मैनेज किया, क्योंकि वो भी एक सबसे बड़ा यस टास्क है. मैम, जी थैंक यू मैम सो मच फॉर द इनविटेशन. पहले तो मैं मतलब ये कहूंगी कि निधि मैम है तो सब कुछ पॉसिबल हो पाया लाइफ में, अदरवाइज पॉसिबल नहीं था ये चीज जो हम लोगों ने आज अचीव किया है. इवन मैंने क्या मतलब जो भी आपके लर्नर्स हैं जो आपके पास आते हैं, मैंने उनको देखा कि नहीं अचीवमेंट तो आएगी, आज नहीं कल आएगी, बट आएगी जरूर, उस चीज की गारंटी है निधि मैम के पास. तो थैंक यू वैसे तो स्टडीज में मैंने बीकॉम किया है, देन मैनेजमेंट किया, एमबीए किया है, एंड आफ्टर हैविंग अ ब्रेक ऑफ बिटवीन 7 ईयर्स फ्रॉम माय स्टडीज. तो ऐसे ही घर पर थे, बच्चा हो चुका था, 3 साल का मेरा बेटा हुआ, सोचा कि चलो स्टडी स्टार्ट करते हैं. देन स्टार्टेड विद बीएड, तो ओके थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगे, इंटरेस्ट आने लगा. देन फिर आगे परस्यू करने का मन हुआ, एमएड किया. एमएड के फाइनल सेम में मैंने आपको ज्वाइन किया, हाँ जी आपको याद. तो जी एमएड में मैम मेरी स्टोरी ऐसे थी कि मैं कॉलेज टॉपर रहने लगी, सेकंड पोजीशन आ रही थी, मैंने रिजल्ट्स भी शेयर हाँ किए. जी हाँ वो सिर्फ मैं मतलब बाकी फ्रेंड्स को बताना चाहूंगी कि मेरी एमएड की जो सक्सेस है वो भी सिर्फ निधि मैम के नोट से ही आई है. अच्छा ओके नोट्स आपको यूजफुल हाँ, रहे. नोट्स जी आपके बहुत मतलब हेल्पफुल थे मेरे लिए, नॉट इवन फॉर नेट, फॉर माई एमएड डिग्री ऑल्सो. तो लकीली एंड आई सिक्योर थर्ड पोजीशन इन. फिर टीचर्स को फेद आने लगा कि नहीं अब ये लड़की जो है एनटीए क्रैक करेगी, नेट क्रैक करेगी. तो उस वक्त क्या था कि एमएड के फाइनल सेम में मैंने अपना वो तो दिया अटेम्प्ट, बट उस वक्त टाइम नहीं था क्योंकि स्ट्रगलिंग विद द सिलेबस ऑल्सो, मुझे अपनी पोजीशन भी बचानी है क्योंकि एमएड तो एक बार होनी थी, नेट के लिए मुझे चांस मिल सकता था लाइफ हाँ जी में. हाँ जी हाँ तो मैंने अब उस वक्त में एमएड पे फोकस किया, बस कॉन्सेप्ट रिवाइज किया, कुछ नहीं किया, पीवाईक्यू नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं लगाया, बस देने चले गए, चलो देख के आते हैं एनटीए है क्या चीज. जी तो ऐसे चले गए हम. तो उस वक्त सिर्फ 12 मार्क्स से रह गया, तो मुझे कोई मतलब दुख नहीं था कि हाँ मेरा नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैंने क्या किया. अभी सिर्फ मैंने अपनी एमएड पे फोकस, क्योंकि मुझे वहां पोजीशन चाहिए थी, जी एक पोजीशन होल्डर बनना था लाइफ में. उसके बाद फिर एमए साइकोलॉजी स्टार्ट किया, फिर भी मैं लगी रही आपके साथ. फिर मैंने मैम को लाइव ज्वाइन किया, तब लाइव क्लासेस लेते थे हम. हाँ जी अब यहाँ स्टोरी फिर से रिपीट होने लगी, फिर से मैं पोजीशन होल्डर आने लगी कॉलेज में. टीचर्स की एक्सपेक्टेशन, जब एक स्टूडेंट मतलब आप टॉप 3 में आ रहे हो ना, तो टीचर्स की एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती है आपसे. फैमिली भी काफी मतलब बोलती कि नहीं अब तुम्हें करना है, वो चीज पुश हो गई होगी. तो सेकेंड अटेम्प्ट में हुआ क्या था कि मॉर्निंग में मेरा नेट का एग्जाम था और सेम डे ही मेरा स्टैट्स का पेपर था साइकोलॉजी का. बारह बजे मैं नेट दे के निकली हूँ एंड आई रश टू माई कॉलेज. टीचर्स ने बस वो मतलब एग्जाम मेरा ना पोस्टपोन किया कि चलो तुम 2 बजे आ जाना, बट आ जाना क्योंकि एग्जाम है, वो भी मुझे देना है, वरना वहां से मतलब एबसेंट लग जाती हूँ और मेरे को पूरा 1 साल वेट करना पड़ता. तो सुबह मैं नेट दे रही थी, शाम में मैं बैठ के स्टैट्स का पेपर साइकोलॉजी का लिख के आई हूँ एंड आई कम बैक माई होम 6 o'clock. तो डेट वॉज द डे. फिर 164 का स्कोर आया, मैंने आपको मैसेज किया कि नहीं स्टिल मेरा 4 मार्क्स से रह गया है. फिर आया थर्ड अटेम्प्ट, तब मैं सेकंड सेम अपना क्लियर कर चुकी थी और बस साइकोलॉजी के अभी मेरे प्रैक्टिकल्स ही बाकी थे. एंड एग्जाम कैंसिल हो गया, जो कैंसिल हुआ था वो बहुत अच्छा गया एंड आई वॉज रिलैक्स कि चलो हो जाएगा इस बार. इस बार मुझे डर नहीं था क्योंकि एग्जाम मैम एकदम बच्चों वाला था, बस आप देख रहे हो और आप आंसर लगा के आ रहे हो, मतलब हम आपके लर्नर्स को तो टाइम ही नहीं लगा वहां पे करने में. तो हम लोग रिलैक्स होके आ गए, पता चला न्यूज आती है कि नहीं एग्जाम कैंसिल हो गया. हाँ जी क्योंकि वही क्योंकि सारे शॉक हो गए थे उस समय, फिर आया कि एग्जाम कैंसिल हो गया, तो तभी मैसेजेस रिसीव होने लगे मुझे इतने सारे कि अब क्या करे, आगे क्या स्ट्रेटेजी होगी. 15 दिन तो मतलब हमें ट्रॉमा से निकलने में लगे कि अब हाँ अच्छा जी दोबारा से रीस्टार्ट करना है, जी क्योंकि अगेन आप 0 पे आ जाते हो, फिर से आपको 1 से शुरू करनी है कहानी अपनी. ठीक है मैंने कहा चलो फिर से स्टार्ट करते हैं, देन अब तो रिजल्ट आपके सामने ही है. तो ये सब जर्नी रही. अभी मैं अपने थर्ड सेम में हूँ, एमए इन साइकोलॉजी कर रही हूँ. बस ग्रेट, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा. फिर भी इतने सारे स्ट्रगल्स हुए आप सबके साथ, हाँ सिमिलरली ऐसे ही सौरभ के साथ भी था. सौरभ आप भी आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, क्योंकि वही है कि एक री एग्ज़ाम का जो फोबिया जो है वो सबको था कि अभी अब एग्ज़ाम देकर आए हो फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा, फिर क्या कैसे हम कॉन्टीन्यूटी मेंटेन कर सकते हैं. तो सौरभ आपने कैसे कॉन्टीन्यूटी मेंटेन करी इस फेज़ में. गुड मॉर्निंग मैडम. पहले मैं अपने इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. हाँ जी हाँ जी मैडम, आई एम फ्रॉम करीमगंज टाउन ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट इन असम.
ऑफ इंडिया। ओके मैडम, मैं लास्ट 4.5 ईयर से गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ। मैं बेसिक ट्रेनिंग सेंटर जहाँ पर मतलब डीएलएड डीएलईडी जो मतलब पढ़ाया जाता है टीचर्स को, वहाँ पे मैं मतलब फैकल्टी हूँ लास्ट 4.5 ईयर से। तो मेरा, थैंक यू मैडम, मेरा मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी है मतलब रेगुलर मोड से सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। तो और लास्ट ईयर मैंने एमए इन एजुकेशन इग्नू से मैंने मतलब फर्स्ट क्लास मार्क्स से मैंने पास किया। तो लास्ट दिसंबर मैंने अप्लाई किया था, मैंने अप्लाई किया था एग्जाम के लिए और आपको भी ज्वाइन किया था मैंने। हाँ जी, हाँ। तो लास्ट दिसंबर क्या हुआ मैडम, मेरा उसी टाइम मतलब जब एग्जाम होना था, आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली रिमेम्बर 8 दिसंबर था एग्जाम। तो मेरा उसी टाइम मेरा गुवाहाटी मतलब मेरा घर से पकड़ लीजिए 400 किलोमीटर मतलब अवे, वहां पे मेरा एक ट्रेनिंग मतलब मेरा मतलब जो मेरा मतलब जॉब का जो मतलब ट्रेनिंग आ गया था, 5 डेज का ट्रेनिंग। तो इसलिए मतलब मेरा सेंटर यहाँ पे आ गया था और मेरा मेरा ट्रेनिंग था मतलब 400 किलोमीटर दूर। तो मैं लास्ट टाइम मतलब ये मतलब एपीआर नहीं कर पाया, तो उसमें बहुत मतलब खराब लगा था कि मतलब मैं एपीआर नहीं कर पाया मतलब ट्रेनिंग के लिए। इसके बाद तो फिर से मैंने अप्लाई किया मतलब इस बार जो जून में होने वाला था, फिर वो भी एग्जाम ठीक ठाक ही गया था मेरा। फिर नेक्स्ट दिन पता चला कि ये एग्जाम भी मतलब ये कैंसिल हो गया। तो उसमें मतलब मतलब बहुत डिसअपॉइंटेड फील हुआ, बिकॉज लास्ट ईयर भी एपीआर नहीं कर पाया, इस बार एपीआर किया फिर भी कैंसिल हो गया। तो मैं सोचा क्या करूँ, फिर सोचा नहीं अभी तो 1.5-2 महीना है मतलब थोड़ा जो जो मतलब थोड़ा मतलब जो जो टॉपिक्स बाकी रह गया या फिर इतना ध्यान नहीं मतलब दे पाया था, तो उसमें मैंने थोड़ा ध्यान दिया। आपके जो पीडीएफ थे या फिर वो जो जो लेक्चर थे वो मैंने फिर से मतलब रिवाइज किया। तो ये करके और आपने जो कहा कि पेपर वन बहुत टफ रहता है मैडम, क्योंकि हम लोग के लिए मतलब हम लोग तो मैक्सिमम एजुकेशन में कंसीडर करते हैं और पेपर वन के लिए मतलब उतना टाइम नहीं मिलता है। तो उस समय ये जो लास्ट मतलब 2 महीना था वो जो मतलब प्रोग्राम से पहले, तो मैंने पेपर वन में थोड़ा मतलब ध्यान दिया। पेपर वन में किसी भी जो डीआई रहता है या फिर जो मतलब रिसर्च बेस्ड जो क्वेश्चन रहता है उसमें मैंने थोड़ा ध्यान दिया, क्योंकि डीआई मतलब बहुत टफ रहता है। सच में बोलता हूँ मतलब ये मतलब टफ रहता है, मीन्स मतलब ये स्टिपुलेटेड टाइम में ये सॉल्व करना ये एक मतलब बहुत बड़ा मतलब चैलेंज रहता है, क्योंकि मैडम सॉल्व तो हो जाता है लेकिन टाइम चला जाता है उसमें, क्योंकि बहुत सारा वो डेटा को ये करना पड़ता है मतलब कैलकुलेशन करना पड़ता है। फिर पहले तो समझना पड़ता है कि ये पूछ क्या रहा है ये क्वेश्चन। तो मैंने उसमें ध्यान दिया। फिर यूट्यूब के मतलब यूट्यूब में जो जो मतलब एडुकेटर्स पढ़ाते थे पेपर वन में, जैसे बहुत सारे मतलब प्लेटफॉर्म में आपको भी पता है, तो मैंने वहां से मतलब तो मुझे तो टाइम नहीं मिलता था। टाइम मतलब जॉब से बाद मतलब शाम को जो ड्यूटी से आना, फिर रात को जितना समय मिलता था 2-3 घंटा मैं थोड़ा बैलेंस करता था पेपर वन और पेपर टू के बीच में, क्योंकि अगर पेपर वन में ध्यान दिया पेपर टू नहीं दिया तो भूल जाऊंगा। हाँ जी। तो ये मतलब बैलेंसिंग एक्ट करने के बाद मैंने ये किया और मेरे लिए ये बहुत मतलब मैं मतलब अच्छा हुआ कि ये सीबीटी मोड में हुआ, क्योंकि ओएमआर में मतलब ये बबल्स करने में बहुत टाइम चला जाता है बोर्ड, और मतलब आपका माइंड बबल करने में चला जाएगा या फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो दोनों में मतलब थोड़ा टाइम चला जाता है। तो इस बार थैंक गॉड कि मतलब सीबीटी मोड में हुआ, मेरे लिए अच्छा ही था। तो इसमें तो एक क्लिक में हो जाता है काम। मैं बोलना चाहता हूँ बाकी सबको, मेरा मार्क्स है 198 और मेरा परसेंटाइल है 98.39 और मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, तो 190 इस बार कट ऑफ था। तो मैडम दो क्लियर हुआ है मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी। मैं जीआरएफ में अप्लाई नहीं कर पाया बिकॉज आई एम 33 इयर्स ओल्ड और मेरा तो एज का लिमिट चला गया, इसलिए मैंने ये दोनों कैटेगरी में ही मतलब अप्लाई किया था और थैंकफुली ये दोनों क्लियर हो गया मैडम। सिमिलरली ऐसा संतोष के साथ भी एक एक्सपीरियंस है। संतोष ऑलरेडी एक ओपीएससी की प्रिपरेशन कर रही है एंड ड्यूरिंग दी ओपीएससी का जो एक प्रिपरेशन इन्होंने स्कोर करा है अपना नेट और इसके साथ साथ यहाँ पर पीएचडी के एडमिशन के लिए। सो संतोष आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है पूरा एंटायर लर्निंग का जर्नी का? जी हेलो मैम, हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। पहले आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आपकी वजह से मेरा ये नेट क्लियर हो गया, बिकॉज मैं आपका ओपीएससी बेस में था ना मैम। हाँ जी, हाँ जी।
हाँ, मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा नेट हो जाएगा, क्योंकि मैं बेसिकली पढ़ रहा था ओपीएससी के लिए, और आपने कंबाइंड क्लास किया था यूजीसी नेट और एसएसबी पीजीटी के लिए भी और ओपीएससी के लिए भी, तो मेरा बेसिक था कि मैं ओपीएससी क्लियर करूँ, बट मैं सोचा नहीं था कि मेरा नेट भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि डबल अचीवमेंट है आपका जी। मैं बहुत खुश हूँ इसलिए कि मैं जब पेपर चेक किया ना, पहले 10 क्वेश्चन मेरा सीरियल रॉन्ग हुआ, तो इसलिए मैं सोचा यार क्या हो गया, अब इस बार रिजल्ट अच्छा आएगा कि नहीं, तो इसलिए कंफ्यूज था और मैंने चेक भी नहीं किया, चेक भी नहीं किया, पर जब स्कोर आया मैम, पहले मैं जनरल कैटेगरी नहीं भी ओबीसी भी नहीं मैम, मैं एससी से बिलोंग करती हूँ, और मेरा स्कोर मैम 174 आया था मैम, थोड़ा सा हो जाए मैम, एक्चुअली मेरे को मेडिकल जाना था, तो दीदी दीदी का प्रॉब्लम है तो मेडिकल जाना है, पर मैं थोड़ा शॉर्ट टाइम के लिए आपके साथ इंटरेक्ट कर पाऊंगा, हाँ जी बट मैम अगेन थैंक यू आपके लिए, और ओपीएससी के लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, मेरा ओपीएससी भी थोड़ा अच्छा हुआ है, स्कोर आएगा शायद, कंफ्यूज है बट आएगा, बट स्कोप है, एक्सेप्ट अच्छा नहीं। अच्छा आएगा क्योंकि नेट आपका एग्जाम क्लियर हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग हाँ तो मैम, स्कोर भी आपका अच्छा ही आएगा। एंड हाँ कांग्रेचुलेशंस मैम, अगेन संतोष आपके ग्रेट हाँ मैम, अचीवमेंट के लिए, और ऐसे ही पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, जो भी आपके जो हाँ फ्यूचर में आपके जो भी टारगेट्स हैं आप फुलफिल करते रहो। हाँ जी मैम, मैं जा रही हूँ जी क्योंकि जी मेरे को जी मेडिकल जाना यस है, यू मे लीव थैंक नाउ। ओके एंड व्हाट अबाउट यू। प्राची, प्राची एंड कारू बाकी, कांग्रेचुलेशंस टू यू टू आल्सो, आप दोनों ने यहां पर नेट क्लियर किया है विद दी ग्रेट मार्क्स। एंड व्हाट इज योर एक्सपीरियंस यू थैंक यू मे मैम, थैंक शेयर। हाँ जी प्राची जी, हाँ जी गुड गुड मॉर्निंग टू गुड ऑल मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग प्राची, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग टू यू। तो मैम एक्चुअली मैंने तो उसे उसके जो पहले वाला दिसंबर दिसंबर सेशन था उसमें भी मैंने तो अपेयर किया था, लेकिन जी उसमें मेरे कुछ ही मतलब मार्क के लिए रह गया था, और हाँ जी ये जो उसका मतलब वो जो दिसंबर सेशन की ऐसे मीट अप रखा गया था, मैंने पूरी अटेंड की थी, सबने जी आई थी, और उस दिन मुझे लगा था नहीं मुझे भी मैम के सामने ये करके दिखाना है कि नहीं मुझे भी नेट क्लियर करना है, और ऐसा कि बोलना है कि नहीं मेरे हो गया मैम थैंक यू, तो इस बार हो गया मैम। और मैम एक्चुअली मैं एक बात बोलना चाहती हूँ जी कि आपके जो पढ़ाने का तरीका है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है मैम, क्योंकि थैंक यू आप सो मच। नोट्स और प्रैक्टिकल में से समझाते हो ना, एग्जांपल्स देकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैम मैं सबके लिए और एक बात बोलना चाहती हूँ कि जो भी है मुझसे मतलब बहुत बड़े हैं और सबके हो गए, और मतलब मैम मेरे जो मतलब मैं पहले एक दो बार दी हूँ, पहले जब मैंने दी थी उसके बाद मेरे एक्सीडेंट हो गया था, तो ओके फिर जी मैम मैं अच्छी तरह से पढ़ नहीं पा रही थी, जब मैं लास्ट टाइम दी थी तो आपसे मतलब सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ाई तो की थी मैम, लेकिन प्रैक्टिकल में वो जो क्वेश्चन होते हैं जी उसमें एनालिटिक करके जो ऑप्शन से वो चूज करना बहुत डिफिकल्ट रहा था मैम, जी तो जी फिर मैंने इस बार सोचा था कि नहीं मैं सारे जो रिकॉर्डेड क्लास देखूंगी, और रिकॉर्डेड क्लास देखने के बाद ही मैं खुद से जो क्वेश्चन था वो मैंने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था मैम, जी तो शायद इसी वजह से थोड़ा सा अच्छा स्कोर हो गया, तो फिर मैम थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस अगेन प्राची, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल्सो कारुबाकी, यू वॉन्ट टू शेयर समथिंग, आपकी भी बहुत थैंक ही एक यू मैम, अलग एक्सपीरियंस है लर्निंग का, जर्नी का, सो मे ऑल्सो शेयर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग कारुबाकी, गुड मॉर्निंग। मैम आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट, आई एम ओके कारुवेकी पटनायक, आई हैव कंप्लीटेड माई एमएससी फिजिक्स, ओके बिफोर आई वॉज अ फैकल्टी, आई लेफ्ट माई जॉब बिकॉज आई हैड टू किड्स, मीन्स आई हैड ट्विंस, बोथ ओके एज 2 ईयर्स, ओके एंड माई फर्स्ट क्वेश्चन व्हेन आई कंप्लीटेड माई एमएड, आई माई फर्स्ट क्वेश्चन वॉज टू यू दैट मैम कैन आई रियली स्टडी विद दिस किड्स एंड एवरीथिंग, यू सेड कीप योर होप, कीप ग्रोइंग, इट कैन बी पॉसिबल, सो आई विल ऑनेस्टली से दैट आई हैव वेरी रेयरली अटेंडेड योर लाइव क्लासेस, मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव सीन ऑल योर रिकॉर्डेड क्लासेस, सेशंस। हाँ जी एंड ऑलमोस्ट एवरी टाइम आई मस्ट से दैट द नोट्स वेर कम्प्लीटली फुल फ्लेज्ड, मीन्स इवन इफ आई कुड नॉट वॉच दोज रिकॉर्डेड क्लासेस, इफ आई हैव स्टडीड ऑल द नोट्स, सो इट वॉज पॉसिबल फॉर मी, इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट इट वॉज नॉट पॉसिबल,
आई वॉज क्वाइट डिसर्टेड वेन द एग्जाम वॉज कैंसल्ड इन जून 18th बिकॉज आई होप दैट स्कोर वुड बी बेटर फॉर मी बिकॉज इट वॉज अ हॉलीडे ड्यूरिंग वन हॉलीडे देर वॉज समर वैकेशन रनिंग सो आई कुड गिव माई किड्स टू माई पेरेंट्स एंड आई कुड स्टडी बट दैट फाइनली इट वॉज ऑल्सो एंड एग्जाम हैपेंड दैट टू ड्यूरिंग अन वर्किंग पीरियड सो आई वॉज क्वाइट दैट आई मे नॉट क्लियर इट बट थैंक्स टू योर नोट्स एंड थैंक्स टू योर मोटिवेशन दैट आई कुड कम्प्लीट इट then I must say that it was really difficult for me to go through these all scenarios and to clear but I was quite happy after seeing the results thank you ma'am again congratulations Karwaki for a great results and what about Debelina Debelina you scored JRF and you personally texted me by sharing your journey ki kaisa aapne practice kiya and what was your journey Debelina you may also share yes ma'am Ma'am, I am audible. Yes, 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 Debelina, you are audible. Good morning, good morning. Good morning, ma'am. Ma'am, sorry to kind some problem in network issue. Okay. So ma'am can't open the videos. Okay, no issue. You may give your interview in the form of audios as well. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. First of all, ma'am, my introduction. I am Debelina Bhoomi from West Bengal. And hopefully I have qualified UGC NET JRF in 218 marks in EWS category in education. And thankfully to, thank you ma'am. And thankfully to the God and my parents always support to me. And thank you ma'am. Thank you so much. And ma'am, I, जैसे कि मैं start करूँ कि मेरा journey start हुआ आपसे June से 2023 पर. तो उस टाइम मैंने नेट यस मैम उस टाइम मैंने नेट क्वालिफाई किया तो मेरा मतलब आपने बोला था कि हाँ आपका एक्सपीरियंस शेयर करना है ऐसे वैसा तो मेरा उस टाइम एग्जाम था मेरा मतलब मास्टर्स किया था उस टाइम तो मैंने बोला मैम एग्जाम था ना हाँ मैम मुझे तो मैम मैंने बोला था कि मैम जेआरएफ जब हो जाएगा ना तब मैं डेफिनेटली ज्वाइन करूँ तो बोला था तो मैम ऐसे करके तो उस टाइम मेरा नेट क्लियर हुआ था आपके वजह से मतलब यूट्यूब से जब मैं फ्री क्लासेस स्टार्ट करूँ तो आपकी क्लास देखा था ऐसे करके जैसे कि आपने पढ़ा था बहुत अच्छे से और आपने जो जैसे किया था पी ओ आई क्यू मतलब ऐसे कि नहीं सारे सारे वाला क्वेश्चन ऐसे नहीं सारे मतलब आपकी खुद से मेहनत टेक्निक वाला क्वेश्चन बहुत ही रिफ्लेक्टिव वाला क्वेश्चन उससे प्रैक्टिस करके कि ऐसे होते एग्जाम पर भी बहुत मतलब बेनिफिट हुआ था जैसे कि मैं यूजीसी नेट के बारे में बोल रहा तो बहुत ही अच्छा हुआ था बेनिफिट हुआ बट पीएचडी वाला जैसे कि हम लोग पीयूटी दिया था उसमें भी बहुत ही मतलब हेल्पफुल हुआ था उसमें भी मेरा अच्छा सा स्कोर था जो कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट था यस मैम उसमें भी और इस टाइम तो मैम जैसे कि जो जो एग्जाम कैंसिल हुआ था उसमें भी मेरा अच्छा सा स्कोर आने वाला था जैसे कि आपने उस एग्जाम के पहले जैसे सेशन लिया था जैसे हम लोग ज्वाइन किया था और ऐसे करके एनालिटिकल रिफ्लेक्टिव लेवल बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन आपने फ्रेम किया था हम लोग साथ में प्रैक्टिस किया था तो यस मैम जैसे कि 11 पीएम पर भी सेशन किया था कुछ मतलब नाइट पर भी ऐसा लेट नाइट सेशन किया था तो हम लोग जुड़ जाते कि हाँ तो कुछ ना कुछ तो मतलब मैम से पढ़ना है और हमको मतलब पढ़ना है जॉइनिंग लर्निंग होते हैं तो ऐसे करके मतलब री एग्जाम हुआ था तो उसमें भी मेरा ऐसा मतलब अटेम्प्ट था क्वेश्चन वगैरह मैम कुछ सिली मिस्टेक मतलब कुछ सिली मिस्टेक हो गया था नहीं तो मेरा भी अच्छा स्कोर हाँ आ जाते और मैं ये बोलना चाहता कि अभी भी आपका बहुत अच्छा स्कोर है जो आपने गेन किया है जी यस मैम डेफिनेटली मैम बट कुछ होते कि सिली मिस्टेक उस टाइम हो जाते बट जब देखा था कि अरे ये तो क्वेश्चन बहुत इजी है हाँ मैम ऐसे करके वो क्वेश्चन मैम क्लास पर बहुत आसानी से सॉल्व हो जाती है आपकी क्लास पर और मैम
और मैम मैं पेपर वन मतलब बहुत मतलब यूट्यूब कुछ चैनल से फॉलो किया था और मेरा पेपर वन बहुत स्ट्रांग हो गया था. पहले तो मेरा जून पर और दिसंबर पर पेपर वन पर कोई मतलब अच्छा सा मतलब स्कोर नहीं आया था. 20 प्लस जी जो 30 पेपर पर भी आ स्ट्रांग जी जी ठीक है. तो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस देवलीना फॉर स्कोरिंग जेआरएफ. एंड लास्ट में एक कंक्लूडिंग रिमार्क आप सबसे जानना चाहूंगी कि आप और स्टूडेंट्स को सभी जिनका जेआरएफ हुआ है जिनका नेट हुआ है तो आप कैसे और स्टूडेंट्स को इंस्पायर कर सकते हैं, क्या कोई ऐसा कंक्लूडिंग रिमार्क आप देना चाहेंगे? हाँ जी हाँ जी चारू बोलिए, आपने हैंड रेज किया है. जी 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 मैम रिमार्क्स भी देंगे बट मैं रिगार्डिंग द नोट स्ट्रेटजी थोड़ा सा बताना चाहूंगी बाकी फ्रेंड्स को या वो भी फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं. पीडीएफ तो आप प्रोवाइड करते ही हैं उसके बाद क्योंकि मैं आपके पास तब आई थी जब बिल्कुल मतलब हम माइनस में थे, हमें नोट्स ही नहीं बनाने आते थे तो हम खुद के नोट्स धीरे धीरे आपने स्ट्रेटजी सिखाई कि नोट्स कैसे प्रिपेयर किया जाता है क्योंकि कोई बुक नहीं लिखनी होती, आपके खुद के नोट्स हैं तो जो चीज आपको समझ आ रही है आपको वो लिखना है उसपे. तो दीज आर माई नोट्स. जैसे मैं ना हमेशा लूज शीट्स को यूज करती थी. हाँ जी. आपको मैंने मतलब ग्रुप में सेंड करती थी बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स आपने भेजे मुझे सारे मैं बस आप सिखाते थे मैं तो जी जी क्रॉस चेक आप ही से करवाया तो मैं ना ऑलवेज यूजिंग लूज शीट की हाँ ये मेरी यूनिट 3 है साइकोलॉजी की है और फिर ये देखिए ये आगे से है. दीज आर इनिशियल वंस. Okay. ये होते थे. इसको यूनिट 3 को मैंने कवर किया अपनी 12-15 पेजेस में. ठीक है. अब इसको भी मैं एक दिन में नहीं पढ़ सकती हूँ जी, जी. क्योंकि एक टाइम पे जब आपको सिर्फ 3 आवर्स है पढ़ने के लिए आपको पूरा कोर्स एंटायर कोर्स खत्म करना. सो देन आई फॉलोड द स्ट्रेटेजी ऑफ 1 मिनट नोट्स कि आप वन मतलब यूनिट 3 को ही मैंने 4 पार्ट्स है ना उनके जी. तो मैंने हार्डली 5 पेजेस लिए और एंड आई यूज टू मेक दिस पेंसिल नोट्स. ओके ग्रेट वेरी गुड. दीज आर बहुत अच्छे से आपने प्रिपेयर करे. इनफैक्ट आपने हाईलाइट भी करा उसको मैं देख रही हूं. मैं हाईलाइटिंग का भी बता जी तो दीज आर माय नोट्स. ओके ग्रेट. तो हाईलाइटिंग का मैम ये था कि आपके चैनल में ना क्वेश्चंस काफी थे और आप हमें ना टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन देते थे मतलब हर यूनिट के अलग अलग क्वेश्चंस होते थे तो जैसे ही मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी जो चीज मुझे आती है सो आती है. अगर मेरी वो क्वेश्चन गलत हो गया तो आई यूज टू राइट विद अ कॉन्सेप्ट कि अच्छा इसका आंसर क्या था, वो क्या कहना चाहता है क्वेश्चन में. तो मतलब प्याजे से ही आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितना कुछ मैंने वो अलग अलग पेन से में लिखती थी कि अच्छा तो मुझे पता चलता था कि ये चीज जो है क्वेश्चन में आई हुई है और इसका आंसर ये था और मुझे इस कॉन्सेप्ट को इससे रिलेट करना है. तो मेरी नोट स्ट्रेटेजीज कुछ ऐसी चलती थी. तो जब टाइम कम होता है हमारे पास एंड में 10 डेज रहते हैं तो इंस्टेड ऑफ रीडिंग दिस 15-20 पेज की बुक आई यूज टू जस्ट गो थ्रू विद माई 4-5 पेजेस. और ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है क्योंकि मैंने जब आपको स्टार्टिंग में नोट्स के लिए बोला था कि आप नोट्स खुद प्रिपेयर करो सेल्फ में के कई बार होता है ना काफी स्टूडेंट्स कहते हैं कि पीडीएफ तो मिल रहे हैं चलो उनसे हम गो थ्रू. नहीं मैम पीडीएफ कभी नहीं पढ़ पाते वो मेरी अलमारी में रखी है. हालांकि मैंने पीडीएफ सारे निकलवाए सारे यूनिट्स के बट उनको फिर दोबारा पलट के नहीं देखा क्योंकि आप जब लाइव क्लास में करा रहे हो आप पीडीएफ का ही कंटेंट मतलब आपके पीडीएफ वो बाद में हमें मिलती है हम उनको दोबारा पलट के भी नहीं देखते क्योंकि इतनी मोटी बुक होती है. आई थिंक 100-500 पेजेस में है कई पीडीएफ में आप नहीं देखोगे उनको दोबारा. बट ये और ये फिर आपके जो ये 1 मिनट नोट्स है ना आप इनको एक दिन क्या मैं कहती हूँ आप एक दिन में अपने दोनों पेपर बहुत अच्छे से कवर करते हो. द सेम स्ट्रेटजीज आई हैव अडॉप्टेड फॉर पेपर 1 आल्सो. सेम मतलब जो भी क्वेश्चन आता था जो भी एब्रीवेशन आती थी आई यूज टू राइट विद पेंसिल ओनली इनकेस कोई गलती है तो आई कैन रफ. और क्वेश्चन वाली चीजें देन विद मैजेंटा और रेड पेन. और इनफैक्ट ये जो आपके पीडीएफ से ये सिर्फ इस एग्जाम के लिए नहीं आगे जितने भी एसिस्टेंट फॉर माय होल लाइफ हां सबके लिए वो आपके लिए वैलिड रहेगा. आगे मुझे कहीं जैसे गवर्नमेंट के लिए प्रिपेयर करना है तो आई विल रेफर ओनली माय नोट्स. हां जी. तो और मुझे जैसे आपके थ्रू कोई कंटेंट आया है मतलब दूसरे पेपर्स में आप कराते हैं तो आई कैन जस्ट मतलब एड ऑन 1 पेज और फिर मेरा नोट्स मतलब यूनिट 3 की यहीं की यहीं क्योंकि टेक्स्ट बुक में आप एड नहीं कर पा रहे हो. हाँ और मैं इनसे ना क्लिप करके रखती हूँ हमेशा कि मेरी चीजें ना सिक्योर रहे और दूसरों को हाथ नहीं लगाने देती. एसेट है आपकी वो सबसे अच्छी. हाँ ये मेरे एसेट्स हैं. हाँ जी. जो हमें हमारे मतलब गुरुजी आपसे प्राप्त हुए हैं दीदी मैम ने दिए हैं मतलब पीसेस हैं ये थिंग बहुत हमारे लिए. हाँ जी. जो किसी को हम दे भी नहीं पाएंगे. नहीं 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 महिमा आपने हैंड रेस करा आप भी कुछ कहना चाहते हैं नोट्स. हाँ जी यस मैम. हाँ जी
मैम थैंक यू. मैं तो आपकी बताई ना कि मैंने जो मेरा जो बिल्डिंग है वो आपसे स्टार्ट हुई थी क्योंकि मैंने अपनी जर्नी आप ही से स्टार्ट की थी. हाँ, रुक जाओ, हम आ रहे हैं. मैम मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी बच्चे मतलब प्रिपेयर कर रहे हैं दिसंबर के लिए, वो कॉन्सेप्ट मैप जरूर बनाए. जो भी की पॉइंट होते हैं वो एग्जाम में बहुत हेल्प करते हैं आपको, वो एग्जाम में ट्रिगर करते हैं क्योंकि बहुत लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं एजुकेशन में. तो सिर्फ कॉन्सेप्ट मैप, जैसे मैंने पूरी नोट्स कॉन्सेप्ट मैप बनाई है, जो जो आप इम्पोर्टेंट बताती थी उसको मैं ऐड कर देती, इसलिए मेरी नोट्स इतनी साफ तो नहीं है क्योंकि मैं बहुत ऐड करती थी चीजों को, पर मैं कॉन्सेप्ट मैप बहुत बनाती थी. और मतलब क्या करती थी कि मैं जैसे कॉन्सेप्ट मैप तो बना लिया, जैसे मैं रिवाइज कर रही हूँ तो उसको कॉन्सेप्ट मैप बना के ही रिवाइज करती थी. वो मतलब पढ़ते जाती थी, अपने से याद करती थी कि मतलब मुझे कितना याद है कितना नहीं है. और मैंने एक फ्रेंड बनाया था क्योंकि क्या होता है ना, जो हाउस वाइफ रहती है ना उनके पास टाइम नहीं रहता, चलो यार आज थक गए हैं नहीं पढ़ाई करते हैं. तो मैंने एक फ्रेंड बनाया था, उमा झा करके मेरी फ्रेंड है. तो मैं ये टारगेट रहता था कि मैं उसके साथ मतलब 2 दिन में एक यूनिट खत्म करूंगी और कॉन्सेप्ट मैप के थ्रू, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैप छोटा रहता है तो फटाफट रिविजन हो जाता है. तो क्योंकि मेरा ये चौथा अटेम्प्ट था तो मुझे काफी चीजें आती थी. मुझे उस बार मेरा 178 मार्क्स था जनरल कैटेगरी से, तो मेरा 4 नंबर से नहीं हुआ था नेट. और थैंक गॉड नेट नहीं हुआ था, क्योंकि अगर हो जाता तो शायद मैं फिर से इतना नहीं पढ़ती सीआरएस के लिए. हाँ यस मैम. तो वो मेरी फ्रेंड के साथ मैं सुबह पेपर 1 रिवाइज करती थी 1 घंटे, और रात को मतलब रात को सिर्फ 1 घंटे पेपर 2 रिवाइज करती थी, क्योंकि मुझसे बहुत सारी चीजें आने लगी थी. पर ये क्या है ना कि एग्जाम में क्या है, आप अलग माइंड आपका काम करता है, भले आपसे कितनी चीजें आती होंगी लेकिन वो मतलब वो 3 घंटे मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है. लेकिन जो आप कॉन्सेप्ट मैप बनाते हो ना, उससे क्या चीजें ट्रिगर करती है बहुत एग्जाम में. और जब आप लिखते हो ना, मैं तो पीडीएफ को कभी रेफरेंस नहीं देती, क्योंकि जब आप लिखते हो ना तो आधी चीजें पहले ही स्टोर हो जाती है माइंड में. तो मैं यही बोलती हूँ कि जो भी पढ़ो आप, तो कॉन्सेप्ट मैप बना के पढ़ो तो जल्दी सिलेक्शन होगा. और की पॉइंट पर फोकस करो तो जेआरएफ तो मतलब इजिली निकल जाएगा. और कभी हार नहीं मानना है, क्योंकि मैम मुझे मैं मतलब क्या बताऊँ, बहुत पेनफुल सिचुएशन थी. थर्ड अटेम्प्ट में मैं बहुत रोई थी कि मतलब यार मेरा नहीं हुआ, मेरे फ्रेंड लोगों का हो गया. मैंने आपसे बताया भी था मैम कि क्या मेरा हो जाएगा, तो तुम आप बोली थी मैम कि हो भी सकता है, महिमा नहीं भी हो सकता क्योंकि तुम्हारी जनरल कैटेगरी है. तो फिर मैं बहुत बोल थी और एकदम बाउंड्री लाइन पे थी, तो और ज्यादा वो था, हो भी सकता था नहीं भी हो सकता था. पर इस बार मैंने आपसे, हाँ इस बार मैंने आपसे कुछ भी नहीं बताया था क्योंकि मुझे पता था कि मेरा जीआरएफ इस बार होगा. यस मैम, थैंक यू मैम. नेट आपने उसका रिजल्ट दिखाया मुझे तो मैं खुश हो गई. मैंने कहा कि महिमा का हो गया, चलो फाइनली हो गया इतने स्ट्रगल के. यस मैम, 4th अटेम्प्ट लग गया मुझे. मैं तो मतलब ये शर्म की बात नहीं है, लेकिन 4th अटेम्प्ट में हुआ मेरा. सब लोग मुझे पता है बोलने लगे थे मत पढ़ो तुम्हारे बस की बात नहीं है मेरे घर में. हालांकि मेरे हस्बैंड बहुत मेरा सपोर्ट करते हैं. आज मैं मतलब जीआरएफ मेरा हुआ तो मेरे हस्बैंड की वजह से, और मेरी छोटी बेटी है 5 साल की, उसकी वजह से हुआ. वो बोलती थी मम्मा अपना होमवर्क कर लो, आप पढ़ाई कर लो, फिर मैं आपसे साथ खेलूंगी, फिर मेरा होमवर्क कराना, पहले आप अपना होमवर्क कर लो फिर मेरा कराना. मैंने कहा ठीक है बेटा, मेरे हस्बैंड का, मेरा मतलब मेरी बेटी का और आपका बहुत बहुत सपोर्ट है मैम, बहुत बहुत थैंक यू मैम. कई लोग तो पता है मुझे क्या बोलते थे मैम, मतलब क्या बताऊँ, मोहल्ले में और मतलब मेरे वो रिलेटिव की मतलब क्या बुढ़ापे तक पढ़ाई करोगे. तो मैंने कहा मेरी एज तो ही बहुत कम है, इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन लेकिन मैंने कहा कि मैं तो तब तक पढ़ूंगी जब तक 65 साल की नहीं हो जाती, तो क्या कर लोगे आप लोग. बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छे से आपने जो अपना स्कोर किया. और लास्ट कोई कंक्लूडिंग रिमार्क कहना चाहता है कारोबा के सौरभ एंड देवलीना, तो आप भी कंक्लूड कर सकते हैं. क्या आप बोलना चाहेंगे आगे वाले जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो दिसंबर की प्रिपरेशन कर रहे हैं? सो यू मे आंसर कारोबा की, वुड यू लाइक टू गो फर्स्ट? सो यू मे मैम, आई मस्ट से दैट डिफिकल्टीज आर ऑलवेज देयर. So everyone must like both of them said, stipulated notes with minute versions will help at the last moment. And moreover, no one should lose hope. यार अभी एक हो गया, मतलब नहीं हुआ. मेरा तो first attempt में बिल्कुल भी नहीं हुआ था. जी. मतलब paper 1 clear ही नहीं हुआ था और paper 2 में बहुत ही कम mark आए थे. तो फिर मैंने भी सोचा था कि क्योंकि मेरा MSc physics में था, मैंने बोला कहाँ MEd के बाद मैं clear कर सकती हूँ, नहीं कर सकती ये दो छोटे बच्चे. तो
मोटिवेशन एक होता है ना, मेरे हस्बैंड हमेशा ही मुझे मोटिवेट करते थे कि यार हो जाएगा, मतलब मैम इतनी देर से बता रहे हैं, मैम फ्रस्ट्रेट नहीं हो रही है, इतनी बार तुमको समझा रहे हैं तो तुम क्यों इतना जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। तो इसलिए मैं बोलूंगी कि डिफिकल्टी तो हमेशा आएगी सबका, तो कोई ना कोई मतलब लाइफ गिव्स चैलेंजेस एंड इफ वी कैन कम्पीट विथ इट, क्लियर विथ इट, देन वी कैन। सो लास्ट प्रिपरेशन के हिसाब से मैं बोलूंगी कि जैसे आप चारू और महिमा ने बताया ना, नोट्स पूरा स्टिपुलेटेड होना चाहिए, पर मेरा नोट्स ना पहले पहले 6 यूनिट्स के नोट्स स्टिपुलेटेड थे, बाकी 4 यूनिट्स मुझे पढ़ने के लिए टाइम नहीं हुआ था, तो योर पीडीएफ वाज माय लास्ट सॉल्यूशन। माना कि वो 500 पेज थे पर मैंने उसको ओवरलुक किया था, आपने जिसको हाईलाइट करवाया था। और बाकी पढ़ाई के लिए मैं ये बोलूंगी कि आपको जब भी टाइम मिले, क्योंकि मैरिड और बच्चों के साथ तो डिफिकल्टी होती है, और जब भी टाइम मिले थोड़ा बहुत तो पढ़ना चाहिए, और हमेशा पढ़ना चाहिए, मतलब हर दिन पढ़ना चाहिए, ताकि क्योंकि गैप में थोड़ा बहुत क्या होता है ना, आपने जिसको रिवीजन किया वो भी आपका थोड़ा बहुत निकल जाता है। जी, तो थैंक यू मैम वंस अगेन, थैंक यू थैंक टू यू एंड माय हस्बैंड एंड माय फैमिली मेंबर्स, आई विल से थैंक यू दैट थैंक आई यू सो कुड मच, कंप्लीट इन द सेकंड अटेम्प्ट। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू यू सो मैम। मच, थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, ताकि आपके सेशन से और भी स्टूडेंट्स को बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा। ओके, आप कुछ कहना चाहते हैं सौरव? यस मैडम, हाँ जी मैं बोलना चाहता हूँ कि मैडम थैंक यू सो मच, और लकीली मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा मतलब हो गया, तो जी इसलिए मतलब मैं बहुत मतलब थैंक यू बोलता हूँ सबको। और मैं बोलना चाहता हूँ कि सबको मतलब हार नहीं मानना, आपने जैसे कहा, और मतलब परसिवरेंस मतलब रहने ही चाहिए, क्योंकि मतलब इतना आप देख रहे हैं कि एवरी टाइम मतलब कट ऑफ हाई जा रहा है, हाई जा रहा है जी। तो मतलब कंपटीशन इज एट इट्स पीक, तो मतलब ज्यादा से ज्यादा मतलब मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि इतना सारे चैप्टर्स मतलब 20 चैप्टर्स मतलब पेपर वन और पेपर टू मिला के, तो 20 चैप्टर्स में इक्वली कॉन्सेंट्रेट करना मतलब एक टफ जॉब रहता है। इसलिए तो मैडम मतलब लोग प्रिपेयर करते हैं लेकिन कुछ कुछ छूट जाता है, छूट जैसे जाता है क्योंकि टाइम नहीं मिलता है, इतना मतलब लेंथी मतलब कोर्स है ये ना, और तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ सबको कि मतलब कीप ऑन गोइंग और मतलब कीप ऑन लर्निंग। और जैसे कारोबा की मैडम ने भी बोला कि मतलब एवरीडे पढ़ना चाहिए या फिर रेगुलर स्टडीज करना चाहिए। अचानक मतलब मैंने सोचा कि 1 महीना में पास हो जाऊंगा, ऐसा तो नहीं होगा मैडम, बिकॉज मतलब इतना सारा कोर्स है, मतलब पूरा आपको तो मतलब आजकल आप मतलब बहुत डेप्थ में भी क्वेश्चन पूछने मतलब लग गए एनटीए, हाँ जी मतलब इतना इतने तो डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आते, थोड़ा तो डेप्थ में मतलब डेप्थ में थोड़ा पूछते ना, मतलब आपको सोचना पड़ता है कि ये कैसा हो रहा है, और ऊपर से मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, इसमें सीक्वेंस आपने देखा कि इस बार एडुकेशन पेपर में सीक्वेंस मतलब सीक्वेंस ज्यादा था, सीक्वेंस मतलब ये BA CD रहेगा या CA BD रहेगा, मतलब ये सीक्वेंस तो आपको अगर कॉन्सेप्ट में नहीं आएगा तो आप गेस भी नहीं कर पाओगे, हाँ, तो वो गेस भी मतलब मैचिंग के क्वेश्चन, सीक्वेंशियल बेस्ड क्वेश्चन जैसे ज्यादा थे इस यस बार। मैडम, जी, यस मैडम, इस बार बहुत ज्यादा है, तो इसलिए मतलब आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट में थोड़ा डेप्थ में थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा, और आपको जहाँ से भी नॉलेज मिलता है सब मतलब यूट्यूब में है आपके, या फिर यहाँ से है, या फिर कुछ कुछ बुक्स है, MED के बुक्स, MA एडुकेशन के बुक्स, BED के बुक्स, वो भी थोड़ा रेफर करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी वहां से भी मतलब क्वेश्चन पूछ लेते हैं ये लोग। तो फिर से मतलब थैंक यू एंड थैंक गॉड कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही हो गया इस बार। थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस अगेन, कांग्रेचुलेशंस, एंड थैंक यू देवरीना, मैडम, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। हां जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम, और ऐसा हुआ तो या तो मतलब जो एग्जाम कैंसिल हुआ उससे लेकर मेरा 6 सितंबर हुआ, तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि फ्यूचर लर्नर को कुछ भी अटेम्प्ट नहीं छोड़ना। तो मैंने किया कि मेरा एमए पहले कुछ भी नॉलेज नहीं था, तो मैं प्रैक्टिस किया और उस टाइम मतलब नेट बहुत जल्दी हो गया, मतलब हुआ था एक बार तो मार्च पर हुआ था और तो जून पर हो गया, तो इससे तो मेरा 30 हो गया। तो उसके बाद दिसंबर आया था और जो एग्जाम कैंसिल हो गया था वो हुआ था, और इस बार वो ठीक है ऐसे करके। तो मैं लर्नर को ये बोलना चाहता हूँ कि कुछ भी ऐसा नहीं, तो मैं नहीं दूंगी, ऐसा नहीं, आप दे दीजिए, आपको अच्छे से क्वेश्चन भी समझ जाएंगे। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सारे बोला कि जैसे कि महिमा करीबू की मैम चारू ऐसे कि बोला कि हाँ खुद का सेफ नोट बनाना जरूरी है,
तो मैं और एक करना चाहता हूँ कि आप करते कि कुछ प्रोपाउंडर होते हैं, कुछ मतलब उसका थ्योरी होते हैं और उसका मतलब ब्रांच से मतलब बिलोंग करते हैं, ऐसे करके जैसे कि पीआरजे कॉग्निटिव करते। यस मैम, एक चार्ट पर ना पूरा के पूरा आपको समझ जाएंगे और उसका कीवर्ड लिख लीजिए, मतलब सेंचुरी मोटो ऐसे स्टेज पर जो जो होते हैं ना पूरा के पूरा एक से चार्ट पर सब कुछ लिख लीजिए, ऐड कर लीजिए। ऐसे की होगा कि जैसे कि मतलब एग्जाम ऐसे कीवर्ड से पूछते हैं और फिलोसॉफी पर भी सेम है जी। पहले तो मतलब क्वेश्चन जब सेम करेगा तो तब ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना तो जरूरी है और उसमें जो कीवर्ड है कीवर्ड को पहचानना मतलब रिकॉग्नाइज करना भी जरूरी है और ऐसे की एलिमिनेशन टेक्निक क्वेश्चन सॉल्व करना भी बहुत आसानी से हो जाती है। जी, जी। और ये बोलना चाहते थे आप भी प्रैक्टिस करिए और आप अपना सेल्फ नोट्स भी बना लीजिए और इन डेप्थ पढ़ लीजिए, मतलब जैसे कि कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है आपको उसमें एग्जिस्ट करना होगा तो आपको मतलब बहुत ही डीपली पढ़ना होगा, जैसे कि सरफेस लेवल पर नहीं बहुत ही बहुत डीपली पढ़ना होगा। तो थैंक यू सो मच मैम। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच अगेन फॉर जॉइनिंग एंड आल्सो कांग्रेचुलेशंस अगेन आप सबकी सक्सेस के लिए, ऐसे ही बढ़ते रहो आगे और अपना गोल अपना जो भी गोल है आपका आगे वो अचीव करो। कुछ आप लास्ट में कुछ कोई कहना चाहता है, हैंड रेस कर रहा है तो बता सकते yes, हैं। हाँ जी, हाँ जी, चारू बोलिए बोलिए बोलिए। लास्टली मैम ये कहना चाहूंगी जी कि थैंक यू तो बहुत छोटा सा शब्द है आपके लिए, समझ नहीं आता और क्या कहूँ, बट ये कहना चाहूंगी कि लर्नर्स को कि निधि मैम के पास आए हो तो अपना हाथ छोड़ दो, उन्हें हाथ पकड़ने दो, क्योंकि जब वो कहते हैं ना कि भगवान हमारा हाथ थामते हैं ना तो आपकी पेन सोरो डिप्रेशन सब उनका है जी। तो मैम को बहुत अच्छे से पता है कि स्टूडेंट को कब क्या चीज देनी है एंड शी इज जस्ट वन क्लिक अवे। अब उन्हें मैसेज तो करो, वो मतलब आधी रात में भी निधि मैम आपको रिप्लाई जरूर करेंगी। और मैम सो मैनी थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि मतलब आपकी वजह से मैं अपनी मतलब फैमिली में फर्स्ट हूँ जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनी हूँ और आगे पीएचडी की भी जी हाँ, क्योंकि और मेरे ब्रदर सिस्टर ये उनको डॉक्टर्स हैं वो दोनों, बट पीएचडी के लिए मैं फर्स्ट हूँ जो अभी एनरोल होंगी। बस यही कहना चाहूंगी और मैम की वजह से ही इतना बंपर स्कोर आया है एंड आई सिक्योर्ड 194 एंड परसेंटाइल इज 97.63 समथिंग। थैंक यू सो मच मैम, हमेशा हमारे लिए इंस्पिरेशन हो एंड डेट योर चिट फंडा जो आप कहते हैं कि नहीं आज कल आपको जाना है, आप उसे अपने पिलो के नीचे रख के सो तो आज तक तो नहीं रखा था बट इस बार जरूर किया था मैंने ये काम और उसको ना मैम मैंने 30 डेज कंटिन्यू किया जब तक मेरा रिजल्ट नहीं आया। अच्छा, तो मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग हो गई आपकी, मैनिफेस्टेशन वो चल रही थी, मुझे पता है कि निधि मैम ने हाथ थामा हुआ है, इस बार जरूर कुछ ना कुछ मतलब प्रेयर्स आंसर होने वाली है हमारी जी, और प्रेयर आंसर हुई भी हमारी। और लास्टली ये कहना चाहूंगी कि जब आप एक टीचर से पढ़ना शुरू करते हो ना, डोंट चेंज द टीचर्स, क्योंकि वो जब कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं तो उनकी जो वॉइस है वो आपके कानों में गूंज रही है, फिर आप चेंज मत करो, टीचर्स पे अपने ट्रस्ट रखो और उन्हीं से कंटिन्यू करो, चाहे भले ही आपको एक साल तक काम करना पड़े उनके साथ, कोई बात नहीं, डजंट मैटर आपका एक में नहीं हुआ दो में हुआ, इट्स नॉट अबाउट द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स यू आर गेटिंग, इट्स ऑल अबाउट द सक्सेस। टीचर के सामने तो हर कोई बेइज्जती होता ही है, दुनिया के सामने आप चमकोगे ना तो आपके टीचर को और आपको सबसे ज्यादा खुशी होगी। उस दिन एक स्टूडेंट खुश नहीं होता है, हमेशा एक टीचर ही खुश होते हैं कि हाँ मेरे स्टूडेंट ने कर दिखाया। ट्रस्ट और फेथ उनके पास होता है, हमारे पास नहीं होता है, हमारी स्ट्रेंथ के बारे में उनसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच सौरभ कारुबाकी देवलीना एंड चारू फॉर योर ग्रेट एप्रिसिएशन। ऐसे आगे बढ़ते रहो, अपना जो भी गोल है आपकी लाइफ में वो अचीव करते रहो। टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग, टेक केयर, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द ग्रेट फ्यूचर एंडेवर्स, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैडम, थैंक यू, थैंक यू।